फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना इंटरफेरेंस चल रहा था, इंटरफेरेंस में टॉपिक चल रहा था अपना न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग में अपन ने पिछली क्लास में परावर्तित प्रकाश के लिए पढ़ लिया था, जो न्यूटन रिंग में आपकी फानाकार फिल्म बन रही थी। ये तो था आपका लेंस और ये प्लेट। प्लेट और लेंस के बीच में जो फानाकार फिल्म बन रही थी, उस फानाकार फिल्म से जो परावर्तित वायु की थी, वायु के लिए म्यू वन होता है, उससे जो परावर्तित हो रही थी उनके लिए अपन ने पढ़ लिया था, और इस फानाकार फिल्म से पारगमित होंगी उनके लिए आज पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिखो, पारगमित प्रकाश के लिए न्यूटन वलय। यहाँ लिख देता हूँ आज पढ़ेंगे अपन पारगमित प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए न्यूटन वाले। पारगमित प्रकाश के लिए न्यूटन वाले सही। अब देखो, परावर्तित के लिए पढ़ लिया था, परावर्तित के लिए लेमडा निकाला था, जो वेजेस से फानाकार फिल्में होती हैं उसमें जो परावर्तित किरणें होती हैं उनमें पथांतर आता है 2μt cos थीटा प्लस आर माइनस लेमडा बाई 2। जो लेमडा बाई 2 था वो स्टोक के नियम से आया था। स्टोक का नियम क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से परावर्तित होती है, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो उसमें लेमडा बाई 2 का अतिरिक्त पथांतर, यानी लेमडा उसका जो पथांतर है उसमें लेमडा बाई 2 का अतिरिक्त पथांतर उस किरण में तथा उसकी कला में या उसके कलांतर में पाई अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न होता है। लेमडा बाई 2 का अतिरिक्त पथांतर व कला में पाई का अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न होता है। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए देख लिया था, विनाशी व्यतिकरण के लिए देख लिया था, जो फ्रिंज बन रही थी उसका व्यास निकाल लिया था, दीप्त फ्रिंज का व्यास निकाल लिया था, अदीप्त फ्रिंज का व्यास निकाल लिया था। वो सारी चीज़ें आज यहाँ देखेंगे। यहाँ देखो, याद था क्या न्यूटन वाले एक्सपेरिमेंट? कुछ याद हो तो ये 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई प्लेट थी, यहाँ अपना सोर्स था, यहाँ अपना एक्सटेंडेड लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स से प्रकाश किरण 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई प्लेट पर आपतित हो रही थी। 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई प्लेट पर आपतित हो रही थी तो 90 डिग्री पर परावर्तित हो रही थी। 90 डिग्री पर परावर्तित किरण चलती हुई, जो अपने पास लेंस था, समतलो उत्तल लेंस था, उसकी जो नीचे की सतह है यहाँ पर उसके आयाम का विभाजन हो रहा था। आयाम के विभाजन द्वारा आधा भाग या आधा आयाम परावर्तित होता है तथा शेष आधा भाग यहाँ पहुँचता है। शेष आधा भाग जो आपकी प्लेट है, कांच की प्लेट पी, उसके ऊपर पहुँचता है। यहाँ पर भी आयाम का विभाजन होगा, आयाम के विभाजन द्वारा आधी किरण पारगमित होगी। शेष आधा आयाम जाएगा कहाँ, जो समतल उत्तल लेंस है उसके नीचे की सतह पर। यहाँ पर भी वही आयाम के विभाजन द्वारा आधा भाग फिर परावर्तित और आधा भाग ऊपर पारगमित। तो ये तो अपने पास आ रही थी परावर्तित प्रकाश और ये आ गया अपने पास पारगमित प्रकाश। आगे जाने के बाद इनमें अध्यारोपण होगा, व्यतिकरण की घटना होगी। व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होगी तो संपोषी व्यतिकरण होगा, और तीव्रता मिनिमम होगी तो विनाशी व्यतिकरण होगा। तो यहाँ अपने पास पथांतर कितना रहा था, परावर्तित में पथांतर आ रहा था लेमडा 2μt माइनस लेमडा बाई 2, ये पथांतर आ रहा था। लेमडा बाई 2 क्या था,
जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से परावर्तित होता है तो लेमडा बाई टू का अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न होता है। यहाँ स्टोक का नियम लागू नहीं होगा और यहाँ पथांतर आएगा टू म्यू टी, यहाँ टू म्यू टी। तो इसमें लिखो, डायरेक्ट लिख लो, थ्योरी वगैरह अपन ने कल लिख ली थी। थ्योरी में ये क्या होता है, कोई एक किरण आती है 45 डिग्री के कोण पर, ये सारा अपन ने कल पढ़ लिया था। तो इसमें लिखो, इसमें तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, या लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें बिंदुओं के नाम दे लो। ए बी सी लिखना चाहो तो लिख लो। यहाँ क्या होता है, प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश किरण 45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई कांच की प्लेट से टकराकर परावर्तित होकर समतलोत्तल लेंस की निचली सतह के बिंदु A पर पहुंचती है। समतलोत्तल लेंस की निचली सतह के बिंदु A पर पहुंचती है जहां आयाम के विभाजन द्वारा आधे भाग का परावर्तन हो जाता है तथा शेष आधा भाग बिंदु B पर पहुंचता है। शेष तरंग किरण ले रहे हैं ना अपन, तथा शेष किरण बिंदु B पर पहुंचती है। बिंदु B पर भी आयाम का विभाजन होगा, आयाम का विभाजन होगा। आधा आयाम बी टी वन दिशा में पारगमित होगा। तथा शेष भाग या शेष किरण बिंदु सी पर भी
सी पर भी आयाम विभाजन द्वारा, आधा आयाम सी टू दिशा में, सी टी टू दिशा में पारगमित होता है या परावर्तित होता है, इस प्रकार हमें बी टी वन तथा सी टी टू पारगमित तरंगे प्राप्त होती हैं, जो आगे जाकर अध्यारोपित होती है। तथा व्यतिकरण की घटना प्रेक्षित करती हैं, व्यतिकरण की घटना गठित करती है, ये देख लो, ये थ्योरी डायग्राम से समझ में आनी चाहिए। ऑप्टिक्स में जो भी थ्योरी लिखो वो डायग्राम से समझ में आनी चाहिए। एक बार थ्योरी लिख लो, फिर डायग्राम से देखते हैं पूरी थ्योरी। देखो क्या हो रहा है, प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण उत्सर्जित होती है, साथ साथ थ्योरी चल रही है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण उत्सर्जित हुई तथा 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई प्लेट पर आ गई, यहाँ पर आ गई, यहाँ से 90 डिग्री पर यहाँ से परावर्तित होगी तथा परावर्तित होकर समतल उत्तल लेंस के नीचे की सतह के बिंदु A पर आ गई, जहाँ आयाम का विभाजन होगा, जहाँ आयाम के विभाजन द्वारा आधा भाग परावर्तित हो गया, आधा भाग परावर्तित हो गया तथा शेष आधा भाग बी पर पहुँचता है। बी पर भी आयाम का विभाजन होगा, बी टी वन दिशा में पारगमित होगा, तथा शेष आधा भाग बिंदु सी पर परावर्तित होगा। अब सी पर भी क्या होगा, आयाम का विभाजन, होगा, तो आधा भाग तो जाएगा इसका पारगमित और आधा भाग परावर्तित, सी टी टू दिशा में परावर्तित हो जाएगा। इस प्रकार हमें बी वन टी वन पारगमित प्रकाश या पारगमित तरंगे और ये परावर्तित प्रकाश आगे जाएगा, ये आगे जाके अध्यारोपित होगी, व्यतिकरण की घटना घटित होगी और इनको सूक्ष्मदर्शी से देख लेते हैं, जो फ्रिंजें बनेंगी उनको। इसका अपन ने कल पढ़ लिया था, इसका आज देख रहे हैं। अब देखो
पतली फिल्म से व्यतिकरण हो रहा है, ये देखो पतली फिल्म बन रही है ना, ऐसी फिल्म बन रही है यहाँ पर, ये पतली फानाकार फिल्म। फानाकार फिल्म में ऊपर का पढ़ लिया था अपन ने, नीचे का पढ़ेंगे। ऊपर का कितना आया था, 2μ λ/2, λ/2 स्टोक के नियम से था, यहाँ स्टोक का नियम नहीं लगेगा। तो लिखो, न्यूटन वाले में पारगमित तरंगे वायु की फानाकार फिल्म द्वारा प्राप्त होती है, वायु की फानाकार फिल्मों द्वारा, वायु की फानाकार फिल्म द्वारा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। अतः पारगमित फानाकार फिल्मों में पथांतर, पारगमित फानाकार फिल्मों में व्यतिकरण, व्यतिकरण सॉरी पथांतर, फिल्मों में पथांतर, पथांतर आएगा 2μ. यहाँ लिख लेना, फानाकार फिल्में वायु की होती हैं, फानाकार फिल्में वायु की होती है, वायु की होती है, वायु के लिए। अतः μ = 1, अतः μ = 1 पथांतर आ गया, तब पथांतर आ गया 2t, पथांतर आ गया 2t। अब संपोषी लिख लो इसको, इसको मिटा देता हूँ, इसको तो समझाने के लिए था कि ये पारगमित प्रकाश ये वाला होता है, तब पथांतर, तो पथांतर तो आ गया अपने पास ये संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण पथांतर होता है आपका n λ, तो यहाँ से कंडीशन क्या आई, यहाँ से कंडीशन आ गई 2t = n λ, संपोषी में तो आ गया ये। विनाशी में होता है आपका n+1/2λ या 2n+1λ/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2t 2n+1λ/2 ये हो जाएगा। फिर अपन ने व्यास देखा था, व्यास भी देखा था ना, वलयों का व्यास, इसका क्या फॉर्मूला आया था, इसका फॉर्मूला आया था अपने पास वलयों का व्यास, इसका फॉर्मूला आया था dn = 8rtn, 8rtn। तो यहाँ भी देख लो, संपोषी में कौन सी बनेगी, दीप्त, तो दीप्त वलय का व्यास, दीप्त वलय का व्यास, दीप्त वलय का व्यास क्या हो जाएगा dn 8r tn का मान, tn का मान ये tn और ये tn, tn का मान क्या हो जाएगा n λ/2, n λ/2।
तो यहाँ से डी एन आ गया फोर एन आर लेमडा, ये फोर एन आर लेमडा, ये तो आ गया दीप्त का। अब ऐसे ही अदीप्त का दूसरा अदीप्त वलय का व्यास, अदीप्त वलय का व्यास क्या होगा, मान फुट करो डी एन इज इक्वल टू एट आर, टी एन का मान लेमडा बाई फोर हो जाएगा, ये दो इधर चला जाएगा लेमडा बाई फोर, तो ये आ गया टू एन प्लस वन लेमडा बाई फोर, ये हो जाएगा टू एन प्लस वन लेमडा बाई फोर, ये कैंसिल आउट टू बचा, तो यहाँ से डी एन का मान आ गया, यहाँ से डी एन का मान आ गया अपना टू टू एन प्लस वन अपॉन लेमडा, आर भी था ना आर लेमडा, आर लेमडा ये आ गया, ये तो आ गया अदीप्त का, ये आ गया दीप्त का, ये हो गया पारगमित का भी हो गया, प्रावर्तित का कल निकाल लिया था। नोट करो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग, इसको मिटा देते हैं। न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एग्जाम में पारगमित का पूछे तभी पारगमित करना है, वरना प्रावर्तित से ही समझाओगे। जो आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम प्रावर्तित का ही करना है, इसका पूछे तभी करना है, पूछे तभी करना है पारगमित का, नहीं पूछे तो इसका करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्ट व्यतिकरण फ्रिंजे नहीं बनती, पारगमित में स्पष्ट व्यतिकरण फ्रिंजे नहीं बनती, यानी जो तरंगे थी दो उनका आयाम बराबर नहीं होता, यहाँ आयाम लगभग बराबर होता है, तो इसका स्पष्ट आता है इसका अस्पष्ट, इसको तो पूछे तभी करना है वरना करना ही नहीं है, पारगमित को पूछे तभी करना है। एग्जाम में अगर नहीं नहीं दिया हुआ हो तो प्रावर्तित ही करना है, पारगमित करना ही नहीं है। लिखो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग, दो एप्लीकेशन है इसके, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट दो एप्लीकेशन है। पहला लिखो इसमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं, पहला है न्यूटन लॉ एक्सपेरिमेंट, न्यूटन लॉ एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे, जो प्रकाश जा रहा था ना 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, तो इस तरंग का या इस प्रकाश का वेवलेंथ कितना है ये ज्ञात करेंगे।
अब होता क्या है, इसमें जो फ्रिंजे बनती है, फ्रिंजे कब बनेगी, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई प्लेट पर गई, वहाँ से गई आपकी जो समतल उत्तल लेंस के नीचे की, समतल उत्तल लेंस है उसकी जो नीचे की सतह थी वहाँ से परावर्तित हो रही थी, फिर प्लेट पर आ रही थी, यहाँ से परावर्तित हो रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था। यहाँ फ्रिंजे बनेंगी, तो सबसे पहले तो जो फ्रिंजे बनेंगी वो फ्रिंजे गोल होंगी, ये बीच की तो काली होगी, या फ्रिंजे गोल होंगी। सबसे पहले एनवी फ्रिंज, कोई सी भी एनवी फ्रिंज मान लो, एनवी एन मान लो ये आपकी एनवी फ्रिंज है, तो एनवी फ्रिंज का व्यास ज्ञात कर लिया, एनवी फ्रिंज का व्यास ज्ञात कर लिया। उसके बाद उस पैटर्न को किसका के, यानी जो फ्रिंजे बन रही थी उसको किसका के, इसको किसका के, एन प्लस वी फ्रिंज, यानी 20 फ्रिंजे किसका दी, 20 फ्रिंजे किसका दी, तो पी का मान तो गया 20, तो एन प्लस पी, यानी 20 फ्रिंजे किसका के, जो फ्रिंज आती है उसका व्यास ज्ञात कर लिया, दोनों का व्यास ज्ञात कर लिया। फिर व्यास ज्ञात करके यहाँ से व्यास ज्ञात कर लेंगे और मान पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखो इसमें लिख लो, सूक्ष्मदर्शी को या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, विभिन्न बलों का व्यास ज्ञात कर लेते हैं, विभिन्न वलयों का व्यास ज्ञात कर लेते हैं, व्यास ज्ञात कर लेते हैं, विभिन्न वलयों का व्यास ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो व्यास पारगमित तो लेंगे नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया पारगमित नहीं लेंगे, क्यों, पारगमित स्पष्ट नहीं होती, तो स्पष्ट कौन सी होती है, परावर्तित, ये स्पष्ट होती है, स्पष्ट होती है, तो इसमें विभिन्न वलयों के व्यास ज्ञात कर लेते हैं। अब व्यास भी अधिप्त का व्यास ज्ञात कर लो, जो एनवी अधिप्त फ्रिंज है, माना एनवी तथा एन प्लस पीवी अधिप्त फ्रिंजों के व्यास, अधिप्त फ्रिंजों के व्यास निम्न हैं, एनवी अधिप्त फ्रिंज का व्यास, बोलो यहां से एनवी अधिप्त का मान कल निकाला था, तो ये आ गया डी एन, तो हो गया आपका 4 nr लेमडा, और डी एन प्लस पी ये क्या हो गया, एन की जगह एन प्लस पी कर दो, 4 nr लेमडा, ये एन वी फ्रिंज का हो गया और एन प्लस वी वी फ्रिंज का हो गया। अपन को किसका मान चाहिए, लेमडा का मान, लेमडा का मान चाहिए, तो ये स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 nr लेमडा, यहाँ से डी एन प्लस पी का स्क्वायर 4 nr लेमडा, सही है। अब इसमें से डी एन प्लस पी में से ये कर दो डी एन प्लस पी
इसका स्क्वायर है उसमें से घटा दो आप डी एन स्क्वायर घटा दो, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा 4nr लैम्डा प्लस 4pr लैम्डा घटाएंगे, तो इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा 4pr, 4pr लैम्डा। अपन को लैम्डा का मान चाहिए, अरे भाई घटा के देख लो एक बार, 4n प्लस पी आर लैम्डा माइनस 4n आर लैम्डा, यहाँ से जो जाएगा 4n आर लैम्डा प्लस 4n पी आर लैम्डा माइनस 4n आर लैम्डा, ये इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, अपने पास बचा 4p आर लैम्डा, तो यहाँ से अपने पास आ गया डी एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर 4p आर लैम्डा, तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान हो जाएगा अपना डी एन प्लस पी डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4pr। देखो सबसे पहले दोबारा देखो इसको, व्यतिकरण प्रारूप ये मान लो, ये व्यतिकरण प्रारूप बन गया, ये फ्रिंज बन गई, या आपके सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर के लैब में मिलेगा आपको, ऐसी ही अनंत फ्रिंजें मिलेंगी, कितनी अनंत फ्रिंजें मिलेंगी। सबसे पहले अपना टेलीस्कोप लगा हुआ था, टेलीस्कोप में जो आईपीस होते हैं, आईपीस होता है ऐसा, आईपीस होता है, एक्सपेरिमेंट करोगे तब पता चलेगा, आईपीस होता है, आईपीस में क्या होता है, दो लेंस लगे होते हैं, दो लेंस, मान लो ये एक लेंस ही आ गया आपका, एक लेंस ही आ गया, इसमें या तो पेंसिल की सहायता से बारीक, पेंसिल की सहायता से बारीक एक क्रॉस बनाते हैं, पेंसिल की सहायता से, तो पेंसिल तो इस पे चलती नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, दो बाल लेते हैं, सिर के बाल लेते हैं दो, और उनकी सहायता से क्रॉस बनाते हैं, उनकी सहायता से क्रॉस, तो एक आईपीस जो क्रॉस वाला आईपीएस है उसको यहां लगा दिया, क्रॉस वाला आईपीएस, जो आईपीएस में जो क्रॉस वाला जो बाल लगाया वो लेंस अपन ने ऊपर लगा दिया, ठीक यहां लगा दिया, अब जो क्रॉस है उस क्रॉस को एनवी फ्रिंज पर फोकसित करते हैं, एनवी फ्रिंज पर फोकसित कर लिया, ये हो गया एनवी फ्रिंज पर फोकसित कर लिया, एनवी फ्रिंज पर फोकसित करके डीएन का मान निकाल लिया, एनवी फ्रिंज पर फोकसित करके डीएन का मान निकाल लिया, अब इस पैटर्न को किसकाएंगे, इस पैटर्न को किसकाएंगे, और मान लो n प्लस पी वी फ्रिंज ये है,
एन प्लस पी वी फ्रिंज ये एन वी फ्रिंज। तो पहले तो एन वी फ्रिंज पे फिक्स करके या फोकसित करके एन वी फ्रिंज का व्यास निकाल लिया, फिर एन प्लस पी वी यानी पी का मान बीस फ्रिंजे किसका ली, पांच फ्रिंजे किसका ली, एक्सपेरिमेंट में तो पांच फ्रिंजे किसकाते हैं, तो पी फ्रिंजे किसका के एन प्लस पी वी फ्रिंज का व्यास ज्ञात कर लिया। एन प्लस पी वी फ्रिंज का व्यास ये हो गया, यानी अपने पास ये आ गया ये आ गया, दोनों को घटा दिया यानी एन प्लस पी में से एन घटा दिया, यहाँ से ये लेमडा का मान आ गया। या एन वी फ्रिंज का व्यास ज्ञात कर लिया, इसका व्यास पता है ही, इसका व्यास पी का मान मान लो कितनी फ्रिंजें किसका ही, वो यहाँ पुट करके मान निकाल लो। लेमडा डी एन का मान अपने निकाल ही लिया, यहाँ से डी एन का मान यहाँ से निकाल लिया, डी एन वाला डी एन का मान यहाँ से निकाल लिया यहाँ फोकसित करके, फोर पी का मान कितनी फ्रिंजें किसका ही, वो पी का मान हो जाएगा आर, आर है जो वक्रता जो समतलोत्तर लेंस था उसकी वक्रता त्रिज्या, तो सारे मान यहाँ पुट करके प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लेंगे। यह तो आपके एक्सपेरिमेंट में है, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी पता चलेगा। यहाँ से तो यह है कि पहले जो दूरदर्शी है सॉरी सूक्ष्मदर्शी है उसकी सहायता से एन वी तथा एन प्लस वन वी अदीप्त फ्रिंजों का व्यास ज्ञात कर लेते हैं। दीप्त का भी ज्ञात कर लो, दीप्त में ये ले लो इसका व्यास और यहाँ पर जो बन रही है उसका व्यास ज्ञात कर लो, तब फॉर्मूला आपका ये लग जाएगा, वहां से भी सेम आंसर आएगा। अब ये तो हो गया पहला। दूसरा है पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। न्यूटन वाले एक्सपेरिमेंट से पारदर्शी द्रव का दूसरा है न्यूटन लॉ एक्सपेरिमेंट सॉरी न्यूटन एनएल, ये एनएल नहीं एनआर है, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट एनआरई। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा किसी अज्ञात द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना द्वारा किसी अज्ञात द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अब सोच रहे होंगे कि द्रव कहाँ से आ गया, जो न्यूटन एनआरई था न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें तो द्रव कहीं था ही नहीं, तो अपवर्तनांक किसका ज्ञात करेंगे, द्रव तो है ही नहीं, तो क्या करते हैं सबसे पहले तो द्रव अज्ञात द्रव देखो यह आपकी कांच की प्लेट, इसके ऊपर समतलोत्तर लेंस, ये समतलोत्तर लेंस, ये तो है आपका समतलोत्तर लेंस L, ये है कांच की प्लेट P, यहाँ जो फानाकार फिल्म बन रही है ये वाली फानाकार फिल्म, ये जो फानाकार फिल्म बन रही है ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर या सिरिंज, ड्रॉपर तो जानते होंगे, अरे ड्रॉपर शाही वाला पेन आता था, तो ड्रॉपर से लिक्विड लेते हैं ड्रॉपर के अंदर और वो
ड्रॉपर की सहायता से वो लिक्विड यहाँ डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं, मतलब ड्रॉपर की सहायता से फानाकार फिल्म थी, जहाँ फानाकार फिल्म में जहाँ वायु थी वहाँ लिक्विड भर दिया। तो यहाँ जो वायु थी पहले वहाँ लिक्विड भर दिया, ड्रॉपर या सिरिंज की सहायता से प्लेट और लेंस के बीच में जो फानाकार फिल्म बन रही थी वहाँ पर अज्ञात द्रव भरते हैं। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा, ड्रॉपर तथा सिरिंज की सहायता से प्लेट पी तथा समतलोत्तर लेंस के बीच में जो फानाकार फिल्म बीच में जो वायु की फानाकार फिल्म बन रही थी वहाँ अज्ञात द्रव भरते हैं। सबसे पहले लिखो ड्रॉपर तथा सिरिंज, ड्रॉपरी ले लो आप, ड्रॉपर या सिरिंज, ड्रॉपर बना लो यहाँ, पेन ड्राइव नहीं है, ड्रॉपर ही है। ड्रॉपर या सिरिंज की सहायता से कांच की प्लेट पी पी व समतलोत्तल लेंस समतलोत्तल लेंस एल के मध्य बन रही वायु की फानाकार फिल्म में द्रव भरते हैं, में द्रव भरते हैं, में वायु की जगह द्रव भरते हैं, वायु की जगह द्रव भरते हैं, वायु की जगह द्रव भरते हैं। अब क्या होगा, अब एक बार तो जो अपन ने ये वायु की जगह द्रव भरा, वायु की जगह द्रव भरा, तो पहले वायु थी तो वायु के लिए जो आपका न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट था उसको सेट करके वायु से जो फ्रिंजें बन रही थी, वायु से जो एनवी तथा एन प्लस पीवी फ्रिंज बन रही थी उसके लिए वलयों के व्यास ज्ञात कर लेते हैं। इसमें लिखो भरते हैं, सॉरी वायु की जगह द्रव भरकर, भरकर उस द्रव का, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। बस ये है, ड्रॉपर या सिरिंज की सहायता से कांच की प्लेट पी व समतलोत्तल लेंस के बीच में जो वायु की फ्रिंज, वायु की फिल्म बन रही है या वायु की फानाकार फिल्म बन रही है उसकी जगह जो वायु की फानाकार फिल्म बन रही है तो उस वायु की फानाकार फिल्म की जगह द्रव भरते हैं और उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। तो इसमें कर लो, द्रव भरने से पहले द्रव भरने से पहले अर्थात
वायु की फनाकार फिल्म के लिए एनवी तथा एन प्लस पीवी अदीप्त वलय का व्यास अभी जो निकाला था वही है सेम, क्या डी एन का मान, क्या आया था, और डी एन प्लस पी का मान लिखो, देखे डी एन का मान और डी एन प्लस पी का मान dn का मान क्या हो गया, dn का मान तो दे रखा है सीधा, dn का मान हो गया आपका 4nr लैम्डा, ये तो dn का मान हो गया, एंड dn प्लस पी का मान, हो गया 4n प्लस पी आर लेमडा, यहाँ से डी एन स्क्वायर का मान ये हो गया आपका, रूट हट जाएगा तो 4n आर लेमडा एंड डी एन प्लस पी का स्क्वायर ये हो गया 4n प्लस पी आर लेमडा, यहाँ से अपने आया था डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर, ये आया था अपना डी एन का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गए थे तो अपने पास आया था 4 पी आर लेमडा, जो पिछला एप्लीकेशन था न्यूटन प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना उसमें ऐसा ही आया था। इसमें आगे लिखूं, द्रव भरने के बाद अज्ञात द्रव भरने के बाद बनी फानाकार फिल्म के लिए फानाकार द्रव भी कौन सा, म्यू अपवर्तनांक वाला, म्यू का मान तो ज्ञात करना ही है तो म्यू अपवर्तनांक का अज्ञात द्रव भरने के बाद बनी फानाकार फिल्म के लिए एनवी व एन प्लस पीवी अदीप्त वलय का व्यास यहाँ से ये हो जाएगा अपना डी एन का मान हो जाएगा 4 एन आर लेमड़ा अपॉन म्यू नीचे आ जाएगा। अपने वायु के लिए क्या माना था, 1 माना था तो 1 का कोई मतलब नहीं निकलता, म्यू यहाँ नीचे आ जाएगा एंड डी एन प्लस पी इसके लिए आ जाएगा 4 एन प्लस पी आर लेमडा अपॉन म्यू, यहाँ लगा लो आर म्यू, ये आ गया, नोट करो यहाँ तक। डी एन स्क्वायर का मान यहाँ देखो, डी एन स्क्वायर का मान हो जाएगा
फोर एन आर लेमड़ा अपॉन म्यू, यहाँ से डी एन प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो फोर एन प्लस पी आर लेमड़ा अपॉन म्यू ये हो जाएगा। यहाँ से अपना डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा फोर पी आर लेमडा, फोर पी आर लेमडा अपॉन म्यू, ये आ गई समीकरण नंबर दो। एक तो ये आ गई और समीकरण नंबर दो यहाँ से आ गई, ये एक और दो, एक और दो आ गई। अब देखो ये तो किसके लिए मान है, ये मान है वायु के लिए, वायु एक ये मान वायु के लिए है, ये मान तो वायु के लिए, और ये मान अब अंदर क्या भरा है, जो फानाकार फिल्म है उसमें वायु की जगह क्या भर दिया, द्रव, द्रव भर दिया, इसके बाद करो इसको हटा देता हूं, यहां कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है, यहां देखो समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर, समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर, इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू करने पर, समीकरण दो में समीकरण एक का भाग दे दो, एक में दो का भाग दिया तो इधर तो क्या आ जाएगा, डी एन प्लस पी, डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर, ये तो कौन सा वायु का, अपॉन डी एन प्लस पी या डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर, ये कौन सा द्रव का, ये वायु का, ये द्रव का, इसमें इसका भाग दे दिया तो ये म्यू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फोर पी आर लेमडा से फोर पी आर लेमडा कैंसिल आउट और म्यू ऊपर चला जाएगा, म्यू ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ म्यू का मान आ गया। इनके मान जो वायु के लिए n प्लस पी है n है, द्रव के लिए n n प्लस पी है, इनके मान एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, इनके मान एक्सपेरिमेंटली, जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है इससे इनके मान निकालते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्वेश्चन यही पूछेगा, या तो ये दोनों एप्लीकेशन पूछ लेगा या इनमें से एक एप्लीकेशन पूछ लेगा, और ये पूछ लेगा न्यूटन न्यूटन वाले प्रयोग क्या है, न्यूटन वाले समझाओ तथा अज्ञात तरंग अज्ञात द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो, या दोनों का पूछ लेगा। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, हर साल लगभग एक दो साल से पूछता रहता है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें एक टॉपिक ही बचा है आपका, माइकलसन व्यतिकरण मापी, जो एक्सपेरिमेंट है माइकलसन इंटरफेरेंस
वही बचाया आपका। इसके न्यूमेरिकल करना,